देखिए हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं उनको हम लोग लोन की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। सेवन डेज का रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। गुड आफ्टरनून एवरी वन, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। और मैं आज मैं आपको बताऊँ कार 24 के यार्ड में। यहाँ अगर आप आर ब्लॉक साइड से आते हैं तो आप दिग्गा पुल का जो सर्विस लेन है उससे कुछ मीटर आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में आप देखेंगे कार 24। या फिर अगर आप दिग्गा साइड से आ रहे हैं, दिग्गा हाट से रॉन्ग साइड में आप कुछ मीटर आगे बढ़ेंगे तो राइट साइड में आपको देखने को मिलेगा कार 24 का यार्ड। और जानते हैं कि कितनी है कीमत और क्या क्या है फीचर्स आपके लिए खास। फ्रेंड्स, तो अगर आप सेकेंड हैंड कार खरीदना चाहते हैं एक अच्छी प्राइस में अच्छे फीचर्स के साथ तो आप आ सकते हैं कार 24 पटना में। वो सारी जानकारी आपको देंगे, सारे सेगमेंट के बारे में, सारी जो भी कार खड़ी है, किस किस कंपनी की कार खड़ी है, कौन कौन सी मॉडल है और उसकी कीमत क्या है। हाय फ्रेंड्स, तो चलिए आप सभी देख सकते हैं मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर एक लाइन से खड़ी है। अब इसकी कीमत क्या है और कौन कौन से मॉडल यहाँ पर है, क्या क्या फीचर्स है। दोस्तों अभी हमारे साथ है सेल्स रिप्रेजेंटेटिव शारदा जी और वो अभी सारी जानकारी आपको देंगे कि ये जो मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर यहाँ पर खड़ी है मिनिमम मैक्सिमम इस यार्ड में क्या कीमत है इसकी। चलिए तो आपका बहुत बहुत स्वागत है शारदा जी, बताइए स्विफ्ट डिजायर कार जो मिनिमम प्राइस है आपके यार्ड में कार 24 की वो क्या है और मैक्सिमम प्राइस ले रहे हैं कार 24 में मिनिमम जो प्राइस चली है स्विफ्ट डिजायर की वो 3.5 लाख, साढ़े तीन लाख की है मैक्सिमम। मैक्सिमम जो है अभी अवेलेबल है वो 7 लाख के आसपास, 7 लाख के आसपास जो मैक्सिमम प्राइस है कार स्विफ्ट डिजायर मारुति सुजुकी की वो 7 लाख के आसपास है और मिनिमम साढ़े तीन लाख। आप क्या क्या प्रोवाइड अलग कराते हैं जो आपको कार 24 को और कंपनी से और वेबसाइट से अलग करती है। देखिए हमारे यहाँ जो भी कस्टमर आते हैं उनको हम लोग लोन की फैसिलिटी अवेलेबल कराते हैं। पूरे बिहार से लोग आते हैं और सभी लोगों को हमारी कोशिश रहती है कि उनको लोन हम प्रोवाइड कर सकें। इसके अलावा हम लोग जो है 7 डेज का रिप्लेसमेंट वारंटी देते हैं। रिप्लेसमेंट वारंटी ये क्या है? ये अगर कस्टमर अगर हमारे यहाँ से परचेज करके कार अपने घर पे ले जाता है उस बीच में उनको लगता है कि कोई ये कार के अलावा कोई दूसरी कार अगर हम वो लेनी है तो वो कार को रिप्लेस भी कर सकता है। वो 7 डेज का रिप्लेसमेंट वारंटी रहता है जो 500 किलोमीटर के अंदर गाड़ी चली हुई होनी चाहिए और जैसी गाड़ी है उसी कंडीशन से हमें हैंड ओवर किया है उसी कंडीशन में वो उनको हमको रिटर्न करेंगे। मतलब ये है कि मतलब इन्होंने जिस तरह से आपको कार दिया है सेल किया है आप सेम कंडीशन में आप इन्हें रिटर्न करते हैं या आपको फुल पेमेंट आप बैक मतलब उनको रिफंड करते हैं? हाँ, फुल पेमेंट रिटर्न करते हैं और वो दूसरी गाड़ी भी लेके जाते हैं। हाँ, वो दूसरी गाड़ी भी लेके जाते हैं। शर्त ये है कि वो जो गाड़ी है 500 किलोमीटर के अंदर तक चली होनी चाहिए। 500 किलोमीटर से ज़्यादा अगर चली गई तो वो रिफंड के लिए एलिजिबल नहीं हो। बहुत सारे सेगमेंट आपको यहाँ पर आज देखने को मिलेंगे। अभी आप देख रहे थे मारुति सुजुकी स्विफ्ट डिजायर, अब आपको ले चलते हैं वैगन आर की ओर। चलिए तो अभी हम लोग आ गए हैं दूसरे सेगमेंट में जो है वैगन आर। तो अब मैं शारदा जी से ये पूछना चाहूँगा कि वैगन आर का जो सेगमेंट है इसकी मिनिमम प्राइस और मैक्सिमम प्राइस क्या है कार 24 में। देखिए अभी जो मेरे पास अवेलेबल गाड़ियाँ हैं वैगन आर सेगमेंट में, ये वैगन आर में 3 लाख के आसपास है, मतलब 3 लाख उसको मान सकते हैं 3 लाख और मैक्सिमम है वो 4 लाख। 3 से 4 के बीच में अभी जो गाड़ियाँ देख रहे हैं आप, 9 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ और वैगन आर सेगमेंट में वो मेरे पास अभी अवेलेबल। जो आप प्रोवाइड करा रहे हो तो कुछ कुछ बताया आपने और कुछ अगर है आप तो लोगों तक पहुँचा सकते हैं। हम लोग जो है कस्टमर को आरसी ट्रांसफर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं, ठीक है। थर्ड पार्टी जो है इंश्योरेंस की हम लोग जो है कस्टमर को फ्री ऑफ कॉस्ट करके देते हैं। तो ये सब सारी फीचर्स है जो कस्टमर के मतलब सहूलियत के अनुसार से उनको हम लोग देते हैं। चलिए सब चलते हैं आपको दूसरे सेगमेंट में लिए चलते हैं। हाँ, तो अभी हम लोग आ गए हैं मारुति सुजुकी बलेनो सेक्शन में और अब मैं करूँगा शारदा जी से कि आप बताएं कि बलेनो सेक्शन जो है
इसका मिनिमम प्राइस जो रेंज है आपके कार 24 में वो रेंज क्या? अभी हमारे पास जो 5-7 जो बलेनो की गाड़ियाँ हैं ये अभी जो है मिनिमम कॉस्टिंग है आपका 4,75,000 से स्टार्टिंग है और मैक्सिमम जो है अभी वो 6,20,000 तक जो है अवेलेबल है, मतलब 4,75,000 से लेके 6,20,000 तक में मारुति बलेनो आप गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं। और जो हमारे व्यूवर हैं उनसे मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो प्राइस है ये मार्केट के अनुसार वेरी करती रहती है। फ्रेंड्स, तो अभी हम लोग आ गए हैं होंडा अमेज सेक्शन में और अब मैं शारदा जी से ये कहूँगा कि शारदा जी ये बताइए अमेज का जो मिनिमम प्राइस आपके यहाँ है और मैक्सिमम प्राइस क्या है? अभी हमारे यहाँ जो होंडा अमेज है वो अभी अप्रोक्स 3 लाख के आसपास मिनिमम प्राइसेज है और मैक्सिमम प्राइसेज जो 4 लाख के आसपास, तो 3 से 4 के बीच में जो अभी मेरे पास 6 लाख होंडा में बची हुई गाड़ियाँ हैं ये 3 से 4 लाख में कस्टमर के लिए हम लोग अवेलेबल कर सकते हैं। और कोई भी गाड़ी यहाँ पर आप मतलब लेते हैं किसी से सेल करने के लिए तो उसका पैरामीटर क्या होता है, मतलब आप जांच पड़ताल करते हैं? हाँ बिल्कुल, ये हम लोग जो है ना कस्टमर से जब गाड़ियाँ जो लेते हैं ना तो वो 140 पॉइंट्स पे चेक करते और वो उसको चेक करने के बाद ही गाड़ियाँ हमारे यहाँ इस यार्ड में आती है और निरंतर हमेशा गाड़ियों का ना एक होता है कि उसको चेक हम लोग करते रहते हैं दिनों के अंतराल पे, 20 के अंतराल पे वो गाड़ियाँ हमेशा उसको क्वालिटी चेक होते रहता है जिससे हम लोग कस्टमर को एकदम गाड़ियाँ जो है ना सही गाड़ियाँ हम लोग प्रोवाइड कर पाते हैं। हमारे यहाँ कस्टमर जो है ना वो टेस्ट ड्राइव 2 तरीके से करते हैं, एक जो यहीं आके यार्ड में बुक करते हैं तो जो गाड़ियाँ वो बुक करते हैं वो तो गाड़ियाँ आके टेस्ट ड्राइव करते ही करते हैं, इसके अलावा भी जितनी भी हमारी यार्ड में गाड़ियाँ लगी होती हैं वो गाड़ियाँ चाहें तो वो गाड़ियाँ भी वो टेस्ट ड्राइव के लिए चूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरी गाड़ी भी वो लेके जा सकते हैं। जो कस्टमर किसी कारणवश से आ नहीं पा रहे हैं वो जो है उनके लिए होम टेस्ट ड्राइव बुक करते हैं और वो गाड़ियाँ जो है वो होम टेस्ट ड्राइव पे वो हम लोग जाते हैं ड्राइवर को लेकर, ड्राइवर असाइन होता है और वो गाड़ियाँ कस्टमर के घर पे लेके जाते हैं और वहाँ पर कस्टमर उसका अपने जो नज़दीकी जो है यहाँ वहाँ पर वो टेस्ट ड्राइव करते हैं और बहुत ऐसा केस होता है कि गाड़ियाँ वहीं पर बुक भी हो जाती है, वो होम टेस्ट ड्राइव के लिए जाती हैं और कस्टमर वहीं पर बुक कर लेते हैं, तो ये सब फैसिलिटी हमारे पास जो हम लोग होम टेस्ट ड्राइव भी कस्टमर के लिए प्रदान करते हैं। चलिए तो अब आपको ले चलते, अभी आपने देखा मारुति स्विफ्ट डिजायर, वैगन आर, बलेनो, होंडा अमेज, अब आपको इससे भी ऊपर सेक्शन में आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि उसका मिनिमम मैक्सिमम प्राइस क्या है, क्या क्या फीचर्स है और क्या लुक है। फ्रेंड्स, तो अभी हम आ गए हैं कार 24 दिघा पटना के प्रीमियम सेक्शन में, जो कार से देख सकते हैं आप स्कॉर्पियो, उसके बाद एमजी हेक्टर और साथ में मारुति सुजुकी अर्टिगा और जीप। ये जो प्रीमियम सेगमेंट है हमारा गाड़ियाँ है आपका 9 लाख से लेके 15 लाख के बीच में गाड़ियाँ हैं, जैसे अर्टिगा है ये 9-15 के आसपास, वो और स्कॉर्पियो है हमारी जीप का पार्ट में, तो ये मैक्सिमम जाएगा आपको 15 लाख। अच्छा, एक सवाल जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, आपकी कंपनी कार 24 गारंटी वारंटी भी देती है क्या? देखिए यहाँ से जो कस्टमर हमारे यहाँ से जो भी कस्टमर कार वारंटी प्रोवाइड करते हैं जिसमें मेनली फोकस होता है इंजन और त्रुटि होती है एक साथ का उसमें क्राइटेरिया है वो 15,000 से कम से पहले भी होनी चाहिए, तो उसमें जो है कंपनी जो है इंजन की जो है वारंटी को बताती है, वो कंप्लेन वो कैसे कर सकते हैं? वो जो है एक हम वो एक हम ईमेल आईडी प्रोवाइड करते हैं, कुछ ईमेल आईडी कंपनी वो अपना कंप्लेन रेज करते हैं तो कंपनी एक टिकट आईडी खोल और मैं ये टिकट आईडी से जो है हम लोग उसका कंप्लेन को देखते हैं कस्टमर को सारा एक। एक और प्रीमियम सेक्शन की कार किया सेल्टॉस में, किया सेल्टॉस नाम है ना? हाँ, किया सेल्टॉस, किया सेल्टॉस खड़ी है और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि किया सेल्टॉस की कीमत आपके यहाँ क्या है? ये गाड़ियाँ हमारे यहाँ भी 3 गाड़ियाँ अवेलेबल हैं किया की, ये 10 लाख से लेके और 14 लाख के बीच,
10 लाख से लेकर 14 लाख में। तो अभी आपको दिखाते हैं किस तरह से कार 24 कार को रेडी करके कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल होकर तैयार कर दी गई है और अभी आपको दिखाएंगे कि इसका इंटीरियर भी कार 24 ने कितना अच्छा कर दिया। आपको बिल्कुल नई वाली फीलिंग आएगी। सुंदर कार, अच्छी कार, अच्छी कीमत पर लेकर जा रहे हैं। और पूरी जानकारी के लिए आप विजिट कर सकते हैं कार 24 ऐप। आप जाकर प्ले स्टोर से इंस्टॉल कीजिए कार 24 ऐप, या फिर आप विजिट कर सकते हैं कार 24 यार्ड दिघा पटना में। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, और कमेंट करके आप जरूर बताएं कि ये ब्लॉग आपको कैसा लगा। और खुश रहें, स्वस्थ रहें, जानवरों से प्यार करें, लोगों की मदद करें। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक करें।